हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये मास्क बनाएंगे अपने वीडियो में। ये हमारा एकदम कंफर्टेबल और वेल फिटेड मास्क बना है। बनाना भी एकदम इजी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कपड़े पर काटने से पहले हम पेपर पे ड्राफ्ट रेडी करेंगे। तो ये मैंने पेपर लिया है। इस पेपर का हमारा मेजरमेंट यहाँ से 10 इंचज़ है, 10 इंचज़ है, और इस साइड से हमारा 6.5 इंचज़ है। इस पेपर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से दोबारा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा पेपर रेडी हो गया है। यहाँ से हमारा फोल्ड है, ये भी हमारा फोल्ड साइड है। अब यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड में हम 2 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान है, ऐसे हम मिला लेंगे लाइन लगा के। अब ये साइड है हमारी, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और ये पार्ट है हमारा, इसको हम इस तरह से राउंड शेप में ले लेंगे। ये हमारा ड्राफ्ट बन गया है। इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है, हमारी इस तरह से शेप आ गई है। अब ये कॉर्नर है हमारा ऊपर का, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे को हम 1.25 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। पूरा हमें एक नहीं लेना, यहाँ तक लेना है 1.25 इंच। अब ये कॉर्नर है और ये हमारा सेंटर का ये निशान है, इन दोनों को मिला देंगे और ये ऊपर का कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों को मिला देंगे। ये हमारा इस तरह से लाइन बन गई है। अब ये हमारा थोड़ा ऐसे कॉर्नर बन गया है, तो यहाँ से हम ऐसे राउंड शेप दे लेंगे ऐसे, और ये पार्ट हम कट कर देते हैं। ये हम इस तरह से जैसे हमने ये लगाया निशान, वैसे ही हम कट कर देते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये हम सीधा करेंगे, तो ये सेंटर है हमारा, इसको भी हम कट कर लेंगे। अब ये हमारा ड्राफ्ट रेडी हो गया है। अब हम कपड़े पे काटेंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा मार्किंग वाला एक पीस है, इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से हम पेंसिल से मार्क कर लेते हैं। ये मैंने मार्किंग कर ली है, ऐसे ही हम कपड़े को कट कर लेते हैं। ये मैंने कपड़ा काट लिया है। ये हमारे 4 पीस हैं, ये 2 हैं हमारे और ये हमारे 2 पीस ये हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करते हैं और ये पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच करते हैं। अब ये सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं, इसके बाद है ऐसे हम सीधा करेंगे ये पार्ट और यहाँ से हम सिलाई को बिठाएंगे, सिलाई लगाएंगे एक दोनों पार्ट पे। अब ये सेंटर की सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमारे ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं सिल के, अब इनको हम सेट करेंगे। तो ये पीस मैंने ऐसे लगाया है, सीधी साइड हमारी ऐसे आएगी, इस साइड को हम उल्टा करके लगाएंगे और ये दोनों जो हमने ऊपर का काटा था डीप, हमने इस तरह ये साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए दोनों साइड में। ये डीप कटिंग हमने की है, जो हमारे नाक की साइड आएगी। ऐसे हम दोनों सिलाइयों को मिला लेंगे और यहाँ पर पिन लगाती हूँ मैं। ये हम यहाँ पर जॉइंट है हमारा, यहाँ पर ऐसे पिन लगा लेंगे दूसरी साइड में भी। अब हमारी दोनों साइड में पिन लग गई है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करते हैं और ये पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करते हैं। अब ये सिलाइयाँ हमारी लग गई हैं दोनों साइड में। अब हमारा ये थोड़ा कर्व में है, तो ऐसे हम सिलाई के पास से काटेंगे, सिलाई नहीं काटना, ऐसे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे दूसरी साइड में भी। अब ये कट्स मैंने लगा दिए हैं। अब ये हमारा खुला पार्ट है, यहाँ पर सिलाई नहीं है, यहाँ से हम मास्क को सीधा कर लेंगे। अब मास्क हमारा सीधा हो गया है, यहाँ पे हम आयरन करेंगे। तो ये हमारे कॉर्नर हैं, इनको भी हम 1/2 इंच से थोड़ा कम ऐसे अंदर को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी, ऐसे हो जाएगा, हम आयरन कर लेंगे यहाँ पे, ये कपड़ा हमारा बराबर हो जाएगा दोनों साइड में। अब हम आयरन करते हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने आयरन कर दी है, ये कपड़ा भी हमने फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे, तो ये मैंने इलास्टिक के 2 पीस काटे हैं।
ये हमारा मेजरमेंट में 6 इंचेस है। ये हमारा ये कॉर्नर है, यहाँ से हम ऐसे आधा इंच अंदर को रखेंगे, इस साइड में भी ये कॉर्नर डालेंगे और दूसरी साइड में हम ये कॉर्नर डालेंगे। आधा आधा इंच हमारी इलास्टिक अंदर रहेगी। ये इलास्टिक मैंने पिन लगा के यहाँ पे सेट कर दी है, इस साइड में भी। अब हम यहाँ से लेके पूरे में सिलाई करते हैं, यहाँ तक एकदम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे हम। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमारा मास्क बनके एकदम रेडी हो गया है। ये हमारी नाक की साइड में आएगा और एकदम कंफर्टेबल मास्क बना है। ये अंदर देखिए हमारा कितना स्पेस है। फ्रेंड्स, मास्क हमारा बनके एकदम रेडी हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।